आप लोगों के पास तो आकाश से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना ये विशाल समुद्र कैसे पार करेगी? क्या आप हमारी सेना को ऐसी कोई विद्या सिखा सकते हैं या कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिसे हम और हमारी सेना समुद्र पार चली जाए? प्रभु, ये सब असुरी विद्या है। ये राक्षसों के लिए तो सहज है, परंतु मानव के लिए ये सहज नहीं, क्योंकि ये शक्ति सात्विक नहीं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारी सेना समुद्र पार नहीं जा सकेगी। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया। कैसा उपाय मित्र? आपको समुद्र से माफ मांगना चाहिए। समुद्र देव से मार्ग मांगो? क्या मांगने पर वो मुझे मार्ग दे देंगे? भैया, मुझे लगता है विभीषण जी उचित कह रहे हैं। हमें समुद्र से ही मार्ग लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने के समर्थन में नहीं हूं। मांगने से कौन कुछ देता है भैया, और हम क्षत्रिय हैं, मांगना हमें शोभा नहीं देता। भैया, आप अपना धनुष बाण उठाइए। पहले तो आपके धनुष के एक ही टंकार से समुद्र देव के कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा अपने धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए, वे स्वयं अपने हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़े होंगे। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि विधाता ने सहायता की तो समुद्र देव हमें अवश्य मार्ग प्रदान करेगा। विधाता? भैया, निष्कर्मठ लोग विधाता पर भरोसा करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने की शक्ति अथवा उत्साह नहीं होता, वो कायरों की भांति विधाता विधाता पुकारते हैं। नहीं लक्ष्मण, विधाता की सहायता पर भरोसा करना ना ही कायरता है और ना ही आलस्य है। मनुष्य के पास शक्ति केवल कर्म करने की है, कर्म का फल ईश्वर अधीन है। भैया, मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि हमारे प्रार्थना करने पर क्या समुद्र हमें मार्ग देगा? क्या हम उसका भरोसा कर सकते हैं? दो दिन पश्चात हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे, तो इतना समय हम क्यों व्यर्थ करें भैया? लक्ष्मण, इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं। दूसरे को अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं भूलनी चाहिए, और पहले महाराज विभीषण से तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर हमें समुद्र देव की प्रार्थना करने का परामर्श दिया है। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े, एक प्रकार से आपके पूर्वज भी और आपके कुल गुरु भी। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सागर ने इस विशाल महासागर को खुदवाया था। अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार, उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर विस्तृत स्थान प्राप्त किया। इसलिए प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र आपकी अवश्य सहायता करें और आपकी सेना को उस पर जाने का उपाय बताएं। मित्र, मुझे आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी है। मैं समुद्र देव से मार्ग की याचना अवश्य करूंगा। लक्ष्मण जी, भैया, एक अच्छा सा दिन, समय और मुहूर्त देखकर मैं यहीं एक कुशासन पर बैठकर तब तक समुद्र देव की प्रार्थना करता रहूंगा जब तक वो मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते।
आने वाला है सिद्धि। हाँ माता, हमारे पति आने वाले, रघुनंदन श्री राम आने वाले। यहाँ वाटिका में? नहीं माता, लंका में। हमें उस दुष्ट राक्षस से मुक्त करने। अब तक तो रघुवीर अपनी पूरी सेना के साथ समुद्र पार कर चुके होंगे, फिर हमें युद्ध के नगाड़े क्यों नहीं सुनाई दे रहे? ना कोई हलचल, ना कोई खलबली। एक हनुमान आया था तो पूरी लंका में युद्ध का वातावरण छा गया था। हमारे परम प्रतापी रघुवीर और भैया लक्ष्मण के आने पर ये शांति कैसे? हमें तो लगा था वाटिका में प्रवेश करने वाली हर राक्षसी यही समाचार लेकर आएगी, घर और दूषण का विनाश करने वाले राघव दुष्ट रावण का वध करने के लिए लंका आ गए। इसीलिए बार बार हमारा ध्यान द्वार की ओर जा रहा था। धीरज रखो सीधे, श्री राम अवश्य आएंगे। कब तक माता? हम जीते जी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यदि उस राक्षस के कारण हमने अपने प्राण त्याग दिए। पुत्री, माता परिस्थिति ही ऐसी है, इसलिए हम चाहते हैं कि रघुवीर शीघ्र अति शीघ्र लंका पर आक्रमण करे। तुम चिंता ना करो सीते, श्री राम और उनकी सेना के बारे में राजभवन से मुझे समाचार मिलता रहेगा और वो मैं तुम्हें बताती रहूंगी। बड़े विचार विमर्श हो रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान अपना मस्तिष्क दौड़ा रहे हैं, सोच सोच कर आशाओं को निराशाओं में बदल रहे हैं, पर दोनों वनवासियों को कोई नहीं सुझा रहा है कि समुद्र को पार कैसे करें। कोई मित्र, कोई सखा, कोई सहायक यह सुझाव दे ही नहीं रहा है कि इस विशालकाय समुद्र को किस तरह पार किया जाए। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए महाराज। उपाय है महाराज, जिस प्रकार हनुमान सागर को पार कर यहां आया था उसी प्रकार सारी सेना आ जाए, वो भी एक एक करके। और हम एक एक करके सबकी गर्दन काटते रहेंगे। महाराज, मुझे तो लगता है कि उस विशाल एवं दुर्गम समुद्र को पार करने का मार्ग ढूंढते ढूंढते कहीं उस वनवासी राम की तुच्छ सेना स्वयं अपने ही मार्ग से ना भटक जाए। और यदि मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए उस वनवासी ने समुद्र पार करने के लिए समुद्र में कदम रख भी दिया तो भी सब के सब समुद्र के पेट में चले जाएंगे। और पुनः कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। अब तो राम का भला इसी में है कि वो सीता को पाने का सपना सदा के लिए भूल जाए और अपने घर लौट जाए। ऐसी अशुभ बातें मत करिए माता, मत करिए। मैं तो केवल तुम्हें राजमहल का समाचार सुना रही हूँ। एक सखी आकर मुझे वहाँ की सारी बातें बता गई है, उसे तुमसे बड़ी सहानुभूति है, केवल महाराज के भय से वो तुमसे नहीं मिल पाई। परंतु माता, यदि ये बातें राजमहल में हो रही तो सत्य ही होंगी। तो क्या रघुवीर को समुद्र पार करने का मार्ग नहीं मिल रहा?
देखा वो निराश होकर समुद्र तट पर बैठे। ना ना पुत्री, वो निराश क्यों होंगे, वो तो सर्वशक्तिमान है, चाहे तो इच्छा मात्र से वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तुम्हें उनकी शक्तियों पर भरोसा रखना होगा, उदास मत होना। हम उदास इसलिए नहीं है माता कि रघुवीर को हम तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा, हम उदास तो इसलिए क्योंकि इस कारण रघुवीर स्वयं को दोषी मान रहे हो। रघुनाथ, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें आप पर पूर्ण विश्वास कि आप हमें यहां से मुक्त कराने अवश्य आएंगे। हां सीते, मैं समुद्र पार करके अवश्य आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे समुद्र को भंग करना पड़े या उसे सुखाना पड़े, परंतु रावण के बंधन से तुम्हें मुक्त कराने मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। महासागर, मैं महाराज सागर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपकी शरण में आया। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सागर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए मैं एक विशाल सेना के साथ लंका पर धावा बोलने के लिए आपकी शरण में आया। आप कृपा करके अपने जल में से हमें मार्ग देने की कृपा कीजिए। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं जल और अन्न का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करूंगा। कृपा करके आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जल में जल स्वीकार कीजिए। समुद्र से रास्ता मांग रहा है। भिखारियों की भांति जीवन जीते जीते सबके सामने हाथ पसारने की आदत हो गई है। मूर्ख सोचता है कि समुद्र के सामने रोना रोएगा, विलाप करेगा, मेरी पत्नी का हरण हो गया है, और समुद्र का हृदय द्रवित हो जाएगा दया से और कहेगा लो मेरी लहरों के बीच में से सूखा रास्ता ले लो। बिल्कुल सत्य कहा पिताश्री, जिनके साथी काका विभीषण जैसे कायर हो वो ऐसी ही मूर्खताएं करेंगे और बाद में वही वानर
उन्हीं के मृत शरीर की शोभा यात्रा निकालेंगे। आएंगे माता, हमारे रघुनंदन अवश्य आएंगे। यदि रघुवीर समुद्र से विनती कर रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे बलशाली या सामर्थ्यशाली नहीं, वो अहंकारी रावण सत्य को अनदेखा कर रहा है। वो जानता नहीं कि जो सत्य में बलशाली और शक्तिशाली होते हैं, उनकी विनती भी आज्ञा के समान होती है। सत्य कह रही हो पुत्री। माता, यदि रघुवीर चाहे तो वे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये जानते हुए भी कि उनकी पत्नी यहां बंदीवास से मुक्त होने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है, वे अपने मर्यादा में ही रहे, और इसके लिए हमें उन पर गर्व कि उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता, समुद्र सदैव अपनी मर्यादा में रहता है, कदाचित इसी कारण रघुवीर ने उसे दूसरा अवसर दिया है, और ये मूर्ख रावण और उसके मंत्रीजन उनका उपहास कर रहे हैं। सबके सब अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, जो मानव जाति के लिए नए नए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। माता, हमने भी प्रण किया कि जब तक रघुवीर वहां तपस्या कर रहे हैं, हम भी यहां तप करेंगे। परंतु समुद्र, ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। विभीषण जी, दो दिन हो गए, समुद्र बहरा हो गया है, इच्छवाकु वंशज का किया गया उपकार भूल गया है, और मेरे राम भैया का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। जामन जी, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे।
है महासागर, भूतकाल साक्षी है, इश्वाकु वंशी सदा पर हितकारी बनकर कुछ ना कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपना अधिकार समझ के कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है, परंतु तीन दिन विधिवत पूजा करने के पश्चात भी उत्तर में तुम केवल अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंद बुद्धि जला दी, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तुम राम की विनम्रता को असमर्थता समझकर जड़ बने हुए हो। आज तक समस्त संसार ने राम की कृपा देखी है, राम का कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी भैया, मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे भयंकर बाण लेकर आओ, आज ये समस्त संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आ गया भैया। मूर के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ है, जैसे मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और बांझ भूमि में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुझ जैसे अहंकारी के सामने राम की पूजा और विनय का कोई मोल नहीं था। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इस बात के साक्षी हैं कि मेरे पास समस्त मुद्रों को सुखाने की शक्ति होने के पश्चात भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए गुड़ विनय और सच्चे हृदय से पूजा की है। और सेना सहित पार जाने में उनकी सहायता मांगी, परंतु इस शख्स ने मेरा उपहास किया है। शास्त्र कहता है कि केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार एक नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समस्त समुद्र को पाताल लोक तक सुखा दूंगा। समुद्र में जल के स्थान पर अब केवल बालू और रेत ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। सावधान समुद्र देव, सावधान। जय ब्रह्मदेव। त्राही माम प्रभु, त्राही माम, त्राही माम प्रभु, त्राही माम प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मेरे अवगुणों को क्षमा करें प्रभु। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको जाने का मार्ग नहीं दिया।
इसमें अवश्य मेरा दोष है प्रभु, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। प्रभु, मुझ में सहस्रों तरंगे उठती हैं, किंतु मैं अपने तट की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुण है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया है। जल यदि अपनी मर्यादाओं को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको तो बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी इच्छा मात्र से मैं सूख जाऊंगा प्रभु, और आपकी सेना मेरे पार निकल जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे प्रभु। हे स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपके शरण में आया हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो, आप आज्ञा दें, मैं वही करूंगा प्रभु। मेरी रक्षा करें अथवा दंड दें प्रभु। समुद्रदेव, हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ है। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी सेना भी उस पार चली जाए और आपकी मर्यादा भी भंग ना हो। इसका उपाय तो बहुत सहज है। आपके सेनापतियों में नल और नील नाम के दो भाई हैं। जो बाल्यकाल में बहुत ही शरारती हुआ करते थे, वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंकाते थे, जिससे दुखी होकर एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कोई भी वस्तु उठाकर पानी में फेंकेंगे, वे कभी नहीं डूबेंगी। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, उसे शिल्पकला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु डालने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिस पर चलकर आपकी सेना उस पार जा सकती है। मैं वचन देता हूँ कि इनके द्वारा डाले गए पत्थरों को और इनसे निर्मित सेतु को मैं स्वयं धारण करूंगा और स्वयं इनकी मदद करूंगा। प्रभु, इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोक में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे महासागर, हम आपसे प्रसन्न हुए हैं। आपकी उदारता से हम आपके प्रेम के ऋणी हुए हैं। कृपा करके एक और समस्या का समाधान कर दीजिए। आज्ञा प्रभु। हे देव, हमारा ये बाण अमोघ है। एक बार इसका धनुष पर संधान होने के पश्चात ये लक्ष्य भेदे बिना तुनीर में वापस नहीं जाता। कृपा करके हमें ये बताएं कि मैं ये बाण किस दिशा अथवा किस पर छोड़ूं। प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहाँ पर बड़े बड़े भयानक दस्यु रहते हैं, जो अपने पाप कर्मों से वहाँ की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वो धरती मरुस्थल बन जाएगी और वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिससे जीवों का कल्याण होगा। मुझे आज्ञा दे प्रभु, शिव शंकर और माँ भगवती आपको विजयी बनाए। सिद्धि विनायक आपकी सकल मनोरथ को सिद्ध करें। नल, नील,
विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपना इतना महान शिल्प विज्ञान हमसे छुपाए रखा। क्षमा करें प्रभु, हमें हमारे माता पिता ने सौगंध दी थी, बिना कुछ कहे हम स्वयं के गुरु को नहीं बता सकते। प्रभु, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम आपकी सहायता कर सके। प्रभु, हमें आशीर्वाद एवं आज्ञा दीजिए ताकि हम समस्त अपनी वानर सेना के साथ एवं उनकी सहायता से इस विशाल सिंध पर सेतु का निर्माण कार्य आरंभ कर सके। शुभास्त शीघ्र। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। क्या कहा तुमने? समुद्र स्वयं प्रकट हुआ? अपनी आंखों से देखा तुमने? जी महाराज। ये दृश्य श्री राम की सारी सेना ने देखा है। श्री राम मत कहो, हम पहले भी कितनी बार आदेश दे चुके हैं। क्षमा कीजिए महाराज, समुद्र देवता ने स्वयं राम को वचन दिया है कि वो सेतु बनाने में उनकी सहायता करेंगे। मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य भी सहज और सरल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उसकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण कार्य में व्यस्त होंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। महाराज सुग्रीव, आप अपने सभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें ताकि वो शास्त्रों की विधि के अनुसार यहां शिवलिंग की स्थापना करें और विधिवत उनकी पूजा करवाएं। जो आज्ञा प्रभु। समुद्र देवता ने रघुवीर के चरण छू लिए। हाँ पुत्री, महाराज सुग्रीव की सारी सेना के सामने समुद्र देवता ने रघुनंदन के चरण छू लिए। मैं कहती थी ना, वो सर्वशक्तिमान है, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। अथा, तो क्या अब रघुवीर समुद्र पार करके हमारे पास आएंगे? वे हमारे रघुवीर के दर्शन होंगे? पुत्री, अवश्य होंगे, परंतु कुछ समय पश्चात। लंकेश इतनी जल्दी अपना हट छोड़ने वाले नहीं है। केवल युद्ध से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, परंतु तुम चिंता मत करो, विजय सदा सत्य की ही होती है और तुम स्वयं सत्य का स्वरूप हो। पूर्ण पतिव्रता, तुम्हारे पति की जीत अवश्य होगी। प्रभु, आपका शिवलिंग पूर्ण हुआ, अब इन्हें जल से स्नान कराइए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
गाय के दूध से स्नान कराई। राम कृपा जिस पर करे वो जल में राह बना, वानर सेना राम की सेतु समूह बना। रावण वध कर लाएंगे, रावण वध कर लाएंगे, सीता को रघुराम। राम कृपा जिस पर करे वो जल में राह बना। प्रभु का लिख के नाम जो जल में दियो बहा, पत्थर भी तैरन लागे नाम प्रभु का पा। लक्ष्य कर्म करता तुम्हें, लक्ष्य कर्म करता रघुवर सकल समा। राम कृपा जिस पर करे वो जल मेरा बना। सब भक्तों के काज में रघु कुल हाथ बटा, सुख में सारे कार्य हो विपदा प्रभु हटा। घट घट में विचरण करे, घट घट में विचरण करे, राम कृपा जिस पर करे वो जल मेरा बना। वानर सेना राम की सेतु समूह बना। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, रामेश्वर महादेवस्य आवाहन कृत्य।
प्रभु, आपके आराध्य देव और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर सौयोजन सेतु के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक हो गया।